आज हम बनाएंगे पार्ले जी के साथ एक ऐसी मिठाई जो झटपट बन करके तैयार हो जाती है और इसके लिए हमें ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने ये 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लिया है। ये मैंने 3 पैक लिए हैं। इनका हमें फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। पाउडर हमारा बन करके तैयार है। इसे हम एक बाउल में डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 से बादाम, 2 से बारीक कटे काजू, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि बिस्किट भी काफी मीठे होते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिठाई 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है और इसके लिए हमें ना घी की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह चाशनी बनाने की जरूरत है और ना ही इसमें हमें मावे की जरूरत होती है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। दूध में हमें 2 चम्मच ही डाला है। अगर जरूरत हुई तो हम इसमें दूध बाद में डालेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच दूध और डाल रही हूँ। अभी 1 चम्मच दूध और डालेंगे। इसमें टोटल 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, ये हमारे डो की तरह बन करके तैयार है। अब हम इसे एक फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर पे अच्छे से रोल करेंगे। अच्छे से रोल करके आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रखेंगे। बर्फी को रखे हुए हमारा आधा घंटा हो गया। इसको हम खोल के चेक करेंगे। बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इस पे आप ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या आप इस पे चांदी का वर्क पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इस पे चांदी का वर्क पेपर लगा रही हूँ। बर्फी हमारी अच्छे से जम करके तैयार हो गई। इसको हम कट करेंगे। सभी पीस को मैं इसमें निकाल करके तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए बर्फी हमारी बन करके तैयार है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये बर्फी है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।